venie. Ma ce care la bai, ce-l-a? Ode! Mă plouă, ce-are la bai? Ce-l-a, mă? रेजन ऑफ पीस साल 14 महीना 12 दिन 17 सर्दियों का मौसम था। यही वो साल था जब मूशन और मुझे एक ऐसी जगह लाया गया था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। हमारी हालत सड़क के कुत्तों जैसी थी। हमसे हर रोज कड़ी ट्रेनिंग कराई जाती थी जिसकी वजह हमें कभी किसी ने नहीं बताई। बिना उम्मीद के आखिर कोई कब तक जिंदा रह सकता है, मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि उस साल मूशों की एक नजर मेरी इकलौती उम्मीद बन गई थी। आज से अपनी तलवार को अपने से अलग मत होने देना, क्योंकि ये तलवार ही आपकी एकमात्र शक्ति है और सबसे शक्तिशाली योद्धा ही इस जगह से निकलकर अपने मास्टर की सेवा करेगा। सुनो साहब, ये आज के विजेता का इनाम है। तुम में से सिर्फ एक यहाँ से बचकर जिंदा वापस जाएगा। जरा घूमो, उठाओ उठाओ, सब उठ जाओ, चलो चलो उठो, उठ जाओ, सब अपने कपड़े उतारो, उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी चलो। Stop, damn it! Stop! Cow! Now get the wall! Cow! Move it! Hurry up! If you want out of here, you'll have to be clean. मुशु कहता था वो अपने दिल में एक बगीचा रखता है जहाँ किसी जंग, अव्यवस्था, कत्लेआम या मौत का नामो निशान नहीं था। मुशु और लिंगजू वहां रहते थे, उनका अपना खेत, पहनने के लिए कपड़े, बच्चे और बच्चों के बच्चे थे। मुशु ये भी कहता था कि जब तक उसके दिल का वो बगीचा हरा भरा है, हमें कोई नहीं मार सकता। मुझे बाद में पता चला, सालों तक चली वो कड़ी ट्रेनिंग सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए थी। वो आदमी दुनिया का सबसे प्रभावशाली आदमी था और उसे मारना इकलौता तरीका था जिसके जरिए हम अपनी आजादी पा सकते थे। रीजन ऑफ पीस साल 24 की सर्दियों में मुझे ब्रॉन्ज स्पैरो टावर भेजा गया। Yeah.
उस साल काकाओ ने गुओनयू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ईस्टर्न वू से हाथ मिलाया। महाराजा जियान अपने मंत्रियों के साथ काकाओ के महल ब्रॉन्ज पैरो टावर पहुंचे और उनकी वापसी का इंतजार करने लगे। जब तक सेनापति लौटे, बर्फीला तूफान शुरू हो चुका था। कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे। काउपी, ये क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत। ये राज्य मेरे हाथ में आते ही मैं तुम्हें असली महारानी बनाऊंगा। आंखें उन्हीं से चार हुई। ला 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 ला। हे 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 हे। Hands off! You know that I'm already an empress. I don't need your title. रात कली एक ख्वाब में आई। सुबह को जब हम महाराज सेना मातम के कपड़ों में लौटी है। Shame you married him. That puppet. परी और अनजान चेहरों के बीच अकेली खड़ी मैं अपनी तकदीर का इंतजार कर रही थी। जब महाराजा शियान के पीछे उनके मंत्रियों और किन्नरों के बीच मुझे मुशु एक बार फिर दिखाई दिया। कैसे हो गया पिताजी? चांसलर, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे चले गए पिताजी? वाई राज्य के महाराज के स्वागत की तैयारी कीजिए। आपका स्वागत है चांसलर। ये प्रदर्शन ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। कई लोगों के चेहरों पर दुख साफ झलक रहा है। लिव मेन ने फैन चैंग पर कब्जा करने के बाद ग्वान चैंग की हत्या कर दी। रद्दार सेंचुएन ने
ल्यू बे और मेरे बीच फूट पैदा करने के लिए ग्वानचेंग का कटा सिर मुझे भिजवाया है, लेकिन मैंने उसके सिर को पूरी इज्जत दी और ग्वानचुंग के सम्मान में हाउस ऑफ हान की तरफ से पूरी फौज से शोक प्रकट करने का आदेश दिया। आपके इस कदम की मैं प्रशंसा करता हूं। ग्वान यू ने हमारी सेवा की, वो हमारे सम्मान के पूरे हकदार हैं। महाराज अमर है, महाराज अमर है। महाराज, 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 देखिए, देखिए मैं आपके लिए किसको ढूंढ के लाया हूं। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। मुशु, मैं नहीं जानती तुम कहां हो। क्या कर रहे हो? मुझे महल से भेजा गया है काओ काओ तक ये नई दवाई पहुंचाने के लिए। क्या चारों सितारों के एक सीध में आते ही चीजें सचमुच बदल जाएंगी? मैं नहीं जानती ये सितारे हमारी जिंदगियों में क्या बदलाव लाएंगे। मैंने सुना है वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखता है। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो ये सब एक खेल ही है। मुझे वापस जाना है, होशियार रहना। महाराज, 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 उन्होंने कहा कि आप यहां हैं इसलिए मैं यहां आ गया, लेकिन मैं सोच रहा था अगर आप यहां ना होते तो मैं क्या करता, लेकिन आप तो यही हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक दवाई लेकर आया हूं जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। ये सिरदर्द ठीक करेगी? नहीं, आपके कूल्हे। क्या? मेरे कूल्हे एकदम ठीक हैं। महाराज, महाराज,
जेंग और जी के साल में जब चारों सितारे एक सीध में आएंगे, एक नए वंश का राज स्थापित होगा। ज्योतिषी जी, महाराज की जय हो। इस साल सूखे के बाद बर्फीले तूफान शुरू हो गए। ज्योतिष के हिसाब से मौसम का संतुलन कब तक कायम होगा? ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। सितारों की स्थिति समस्या है। सितारे बिल्कुल सही जगह पर हैं। जब भी चार सितारे एक सीध में आते हैं, खून खराबा होता है। जब भी जेंग जी को पार करता है, वंश बदलते हैं। ये नियति में लिखा है। वाई के महाराज होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले की इच्छा का पालन कीजिए और अपना इनाम ग्रहण कीजिए। तुम राजद्रोह की सजा से वाकिफ तो हो ना? ये तो मेरी इच्छा नहीं है महाराज, बल्कि ये तो ऊपर वाले की इच्छा है। क्या आप ऊपर वाले की इच्छा की अनदेखी करना चाहेंगे? चांसलर, कृपया ऊपर वाले का इनाम ग्रहण कीजिए। जो ऊपर वाले की इच्छा का विरोध करेगा उसे मौत मिलेगी। जो ऊपर वाले की इच्छा का विरोध करेगा उसे मौत मिलेगी। जो ऊपर वाले की इच्छा का विरोध करेगा उसे मौत मिलेगी। जो ऊपर वाले की इच्छा का विरोध करेगा उसे मौत मिलेगी। जो ऊपर वाले की इच्छा का विरोध करेगा उसे मौत मिलेगी। महाराज, चीजें जैसी चल रही हैं चलती रहेंगी। तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। सितारे अपना पक्ष खुद रख लेंगे, वो भी बिना तुम्हारी मदद के। राजद्रोही, दरवाजों पर ताला लगाओ। आज से इस मंदिर के दरवाजे हर किसी के लिए बंद हैं। जब तक तुम्हारे पिता जीवित हैं, तब तक ये राज्य तुम्हारा नहीं हो सकता। ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तुम जो बरसों से चाहते हो उसे पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। If you do gain the kingdom, I will be your queen. महाराज की जय हो। ये मेरा हथियार घर है। इन तलवारों के मालिक मेरे अतीत का हिस्सा हैं। कुछ मेरे साथ लड़े, कुछ मेरे खिलाफ, लेकिन आज वो अपनी कब्रों में दफन हैं। ये हेलबर्ड, ये लिवबू की है। बीच में गुआनचुंग की ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट तलवार है। पहले जब मैं इन्हें देखता था, मुझे लगता था जैसे मैं भगवान हूं, लेकिन आज जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। गुआनचंग, भगवान तो तुम थे। आज मैंने ये मान लिया है। यहां पर मौजूद हर व्यक्ति का स्मारक मैं खुद लिखूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा उन्हें कोई नहीं जानता। मुझे समझ नहीं आता, आपने अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ते बिताई है किस लिए?
इस महल से बाहर कदम रखते ही हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है, जंग लड़नी पड़ती है हर रोज हर पल, और वो भी बिना रुके, क्योंकि अटूट इच्छा शक्ति से ही एक दिन दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। मेरी दुनिया वो लोग हैं जिनकी मुझे फिक्र है, और वो जगह है जिसे घर कहते हैं। घर कहलाए जाने वाली सबसे सुरक्षित जगह वो मिट्टी है जहां ये सारे दफन हैं। जब हम सबको मिट्टी में ही जाना है तो फिर दुनिया मुट्ठी में करने का क्या फायदा? ये मेरी मां ने मुझे दिया था। तुम्हारी मां ने? क्यों चाहिए मुझे ये देश? ये देश हमारा ही तो है। जब देश हमारा होता है, मौत, अव्यवस्था, कत्लेआम, पड़ोसियों के बीच होने वाले लड़ाई झगड़े सब रुक जाते हैं। ना कोई मौत, ना अव्यवस्था, ना कत्लेआम, ना पड़ोसियों के बीच कोई लड़ाई झगड़े। यही तो मूशू के दिल की दुनिया थी। आखिर कितनी जाने और षड्यंत्र लगेंगे उसे उस जगह तक पहुंचने के लिए। रात काली एक ख्वाब में आई और गले का महाराज फरमान जारी कीजिए। सुबह को जब हम नींद से जागे महाराज, बस हमें जरा सी हिम्मत दिखानी है और जीत हमारे कदमों में होगी। हमारी तकदीर इसी फैसले पर निर्भर करती है। चार सितारों के एक सीध में आने का मतलब क्या सचमुच एक वंश का अंत होता है? महाराज, पिंग के राज के चौथे साल में वैंग मैंग और रेड आईब्रोज ने राजद्रोह किया था। वैन के सातवें साल में हुए राजद्रोह का अंत उनकी मौत पर जाकर हुआ। ये लंग साम्राज्य का खात्मा और येलो टर्बन राजद्रोह दोनों चारों सितारों के एक सीध में आने पर ही हुए थे। अगर चारों सितारों के एक सीध में आने का मतलब एक वंश का अंत नहीं है तो फिर क्या है? मतलब उसकी हत्या मेरी गद्दी पर मंडरा रहे खतरे को खत्म कर देगी। वो डॉन्जू नहीं है। जी महारानी। ठीक है, फिर मैं फरमान जारी करता हूं। तुम सभी ही हो जिन्होंने जबरदस्ती मुझसे फरमान जारी करवाया।
पीछे आओ। चांसलर महाराज, महाराज माफ कीजिए मुझे देर हो गई। महाराज महाराज आपको चोट तो नहीं लगी ना? कल हम राजमहल जाएंगे। जी महाराज। अपनी तलवार रख दो। उस पल मुझे लगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। जब पूरी की पूरी सेनाएं उसे नहीं मार पाई थी तो मैं एक लड़की उसे अकेले कैसे खत्म कर सकती थी। लेकिन कई चीजें होती हैं जो एक बार शुरू हो जाएं तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। तलवार अंदर ले जा सकते हैं। जूते उतारो। चांसलर आपका स्वागत है, आप अपने जूते और तलवार अंदर ले जा सकते हैं। मंत्रीगण कृपया बैठ जाएं। शुक्रिया महाराज। जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं, वो अपनी समस्याएं बताएं। मेरी एक समस्या है। समस्या? कल रात को मेरे शिकारियों ने एक कमाल का शिकार किया जिसे मैं कोर्ट के साथ बांटना चाहता हूं। क्या महाराज उसे चखना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों ना एक दावत का इंतजाम किया जाए। मैं एक और निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी महारानी साहिबा को। दरअसल मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं डॉक्टर। यही बिल्कुल मैं देखता हूं। और लॉर्ड फू, मैं काफी समय से आपके साथ बैठकर एक जाम पीना चाह रहा था, क्या आप हमारी दावत में हिस्सा लेंगे? मैंने खाना खा लिया है। दूर रहो मुझसे। तो मैं इनकी जांच करूं या नहीं? रहने दो, दावत शुरू की जाए। जी महाराज। चांसलर, क्योंकि आज शिकार आप लाए हैं, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। 7 सितारों वाला खंजर? आपने इस खंजर का इस्तेमाल हान साम्राज्य को गद्दार डोंगजू से बचाने के लिए किया था। हालांकि आप उसे मारने में असफल रहे, पर आपने कई सम्मान जीते। आज मैं ये खंजर आपको देता हूं, एक सम्मान और चेतावनी के तौर पर। एक सम्मान और चेतावनी के तौर पर?
महाराज, मुझे आपका तोहफा कबूल है। लेकिन जहां तक डोंगजो को मारने की बात है, मुझे लगता है कि वो एक अनजान युवा द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। क्या आप कह रहे हैं कि आपको इस देश की इस सेवा करने पर खेद है? खेद? सालों से हान की प्रतिष्ठा वापस पाने के नाम पर लोग देश के हिस्सों के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या एक इंसान को मारने से यह काम पूरा होता है? दावत शुरू करो। जी चांसलर। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा खास व्यंजन खाने को मिलता है। जब आपका नाम बुलाया जाए आगे आकर अपना हिस्सा लीजिएगा। घुड़सवार सेना के मुख्य सेवक यांगली, शाही सलाहकार लॉर्ड ज़ुगुई, राइट्स इंस्ट्रक्टर डोंग हुए, ज़ियाओवेई गार्ड्स लेफ्ट कमांडर चेन मैंग, वाइस सेंसर डुगान, वाइस रिकॉर्ड्स मिनिस्टर याओ जी, मजे कीजिए। देखने में यह बहुत ही अलग सी लग रही है चांसलर। लाजवाब वाइन और लजीज गोश्त तो हम सब ने कई बार खाया है, क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। खाओ 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 ना खाओ। कोई खा क्यों नहीं रहा है महाराज? लगता है इन्हें मनाने का काम आपको ही करना होगा। मंत्रीगण, कृपया व्यंजन चखें। भालू का पंजा चखें। भालू का पंजा चखें। शाही हुक्मनामा नहीं मान रहे हैं। महाराज, मैं चखूंगा। चांसलर, क्या अब आप संतुष्ट हैं? बिना पका हुआ, बिना साफ किया गोश्त खाने को आप तैयार हो गए? इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। लॉर्ड फू, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। चाओ मिंगडे, आप पर जो हमला हुआ उसके पीछे मेरा हाथ था। हमला मैंने करवाया। महाराज, आप अपने बाएं हाथ से तो नहीं लिखते हैं ना? बताइए, किसने मजबूर किया आपको? मेरे पिता को कहीं आप तो मरवाना नहीं चाहते थे ना? काउज ने हमेशा हान साम्राज्य की सेवा की है और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन हमारी वफादारी का सिला अगर ये है तो इसका ये मतलब है कि हमारे महाराज हमसे बदला ले रहे हैं। मैं सोच रहा था तख्ता पलट ऐसी ही स्थिति में होता है ना। खुद पर नियंत्रण रखो। ये किसका काम था? जाओ मेंगे, ये मेरा काम था। मैंने उन्हें मजबूर किया। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। कितनी जल्दबाजी, तुम सब कितनी जल्दबाजी में हो। मुझे दुश्मनों से डर नहीं लगता, तुम जैसे बेवकूफ दुश्मनों से डर लगता है। और तुम जैसे दुश्मनों का होना
मेरे लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं। गिरफ्तार कर लो। पिताजी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब मैंने करवाया था। किसी को मौत मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। तुमने इनकी इतनी सारी महारानियों को मारा है तो एक और सही। लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ काओपी मुझे खुद अपने हाथों से मारे। सड़के मरोगे। पिताजी। बेटी, गद्दारों को सजा जरूर मिलेगी, बस तुम अंतिम सांस तक वफादार रहना। मौत से कैसा डर? पिताजी। गद्दी हड़पने वालों को सजा जरूर मिलेगी, अंतिम सांस तक वफादार रहना। मौत से कैसा डर? ये लो। क्या कर रहे हो तुम? महाराज, ये आपकी महारानी है, कुछ तो कहिए ना। क्या आप भी कोई बचा है जो मेरी बात सुनेगा? आप बस बोलकर देखिए महाराज, और मैं आपका हुक्म मानूंगा। इनकी इच्छा पूरी की जाए। यही ऊपर वाले की इच्छा है क्या? ये हान युग का अंत है। लॉर्ड फू, मार डालो। इन्हें जिंदा मत छोड़ना। नहीं, मार डालो सबको। क्रूर व्यवहार पर भी लोग खुशी जाहिर करते हैं। फू वो कोई साधारण अपराधी नहीं है, उसने वी के महाराज को मारने की कोशिश की, लोग तो उससे नफरत करेंगे ही। क्यों? क्योंकि जंग और अकाल भरी इस दुनिया में पेट भर खाना और सर के ऊपर छत किसी वरदान से कम नहीं, और वी के महाराज हमें ये सब मुहैया कराते हैं। उस वक्त तक मुझे लगता था काओकाओ की मौत लोगों की इच्छा थी, लेकिन ये तो बस मुझे ये भी लगता था कि मूशो और मेरे यहाँ से बचकर निकलने का ये इकलौता तरीका था।
तुमने देखा उन हमलावरों के साथ क्या हुआ? वो हमारे नहीं थे। इतने सारे लोग उसकी मास्टर ने कहा था कोर्ट पर कई लोगों की नजर है। ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। And what happens if we fail? We should run. I refuse to believe in a world this big, there's no place for us. It is big, but it's the Lord of Way's world. How can we know if we don't try? What life can you have with me? I have to go back. My lord, you should drink your medicine. It's getting cold. Chancellor. Jivan. Oh, yes. My lord. What is it? मुझे लगता है यही गद्दार है। आज आपके खेल में वो दम नहीं था। माफ कीजिएगा पर लगता है आज आपका ध्यान कहीं और था। आज आप इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं डॉक्टर जी? नहीं नहीं बस ऐसे ही। वैसे मैं महाराज के लिए बहुत खुश हूँ। सोते वक्त प्रेमिका बगल में हो तो अक्सर सब सही रहता है। लंबे समय से उन्हें सरदर्द की भी शिकायत नहीं हुई है। मेरे पिताजी का बिस्तर भले ही गर्म हो लेकिन मैं अपना हर दिन बर्फ की चादर लपेटे गुजार रहा हूँ। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपकी इस परेशानी की वजह फू परिवार की मौत है ना? लगता मामला खत्म नहीं हुआ है। मुझे भी लगता है मामला खत्म नहीं हुआ है। जितना ज्यादा वो इस बारे में चुप रहेंगे उतना ज्यादा मुझे बात चुभेगी। सच कहूँ तो महाराज को पढ़ पाना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पीआई, आगे आ जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ हां या ना में जवाब दो। चांसलर, मैं आप ही के पास आ रहा था। उस रात को जब हमलावरों ने हमला किया तुम जानते थे कि वो आ रहे हैं
और तुमने सही समय चुनकर उन पर हमला किया है ना? चांसलर, मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। जी मैं हाँ या ना। जी नहीं। हमले का पता लगाने के लिए तुमने महारानी फू के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस साजिश के लिए तुम महाराज को दोषी ठहराना चाहते थे, है ना? नहीं। बेटे यहां आओ। चांसलर, महाराज किसी काम के नहीं और हान युग का समय खत्म हो चुका है, फिर हम उनकी रक्षा क्यों करें? यहां आओ। चांसलर, चारों सितारे एक सीध में आ रहे हैं, अगर हमने ऊपर वाले की इच्छा ना मानी तो हम मारे जाएंगे। आओ। मुझे चांसलर मत बुलाओ, मुझे पिताजी बुलाओ। पिताजी, मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें आखिरी बार कब गले लगाया था। मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। अब पिताजी तुमसे आखिरी सवाल पूछेंगे, क्या तुम चाहोगे तुम्हारे पिताजी बिना कोई गलती किए महाराज बन जाएं? तुम्हारे पिताजी जिंदा सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। खिड़की का दिया जलाओ। जी महाराज। उनको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। कई लोग मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं महाराज को मार दूंगा। क्या मुझे मारना इतना आसान है? जब तक वो ये नहीं जानते कि मेरे दिल में क्या है, वो मुझे कभी नहीं मार सकते। आप इतने ताकतवर है चांसलर, आपको कौन मार सकता है? तुम जानती हो मुझे मारने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मैं नहीं जानता मेरा सिर दर्द मेरा दिमाग दूषित कर रहा है या फिर मेरी खुद की चिंताएं ही मेरा सिर दर्द बढ़ा रही हैं।
बस अगर मैं सो पाता और कभी ना उठता तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। मुझे एक तानाशाह के थके मांदे चेहरे पर जंगों के दौरान लगे पुराने जख्म और निशान दिखाई दिए। कैसी होगी वो औरत जो एक ऐसे आदमी का दिल पसीजेगी जिसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। अचानक मैंने खुद को मोशो को याद करते पाया। When do we strike? We will soon, but not yet. Why do we have to kill him? Isn't this what we've been working for? Hey, why are you crying? What are we doing? What we have to do. And then we pass our days in peace. We can go to that place in your heart. In a world like this, where do you think a place like that really exists? You said all we have to do is keep that hope alive. Peaceful life. Only he can give you. You're insane. उनमें से किसी एक को हमारे लिए मारना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि यूं कहें असंभव है। अगर हमने ये काम अकेले किया तो हमारा अंत भी डोंजू और फुवान जैसा होगा। इसीलिए हम अपनी पूरी सैन्य शक्ति एक अकेले हमले में नहीं लगा सकते। चारों सितारों की एक साथ सीध में आने से पहले पूर्णमासी की रात हम गांव गद्दारों को खत्म कर देंगे। सही समय आते ही हमारी सेनाएं अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला करेंगी। चांसलर, पिताजी, मैं जानता हूं मैं गलत था। मेरा सिर दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर यह बात बाहर लोगों को पता चल गई तो देश खतरे में आ जाएगा। इसका सीधा असर हमारी स्थिति पर पड़ेगा। क्या तुम जानते हो ये जंग के आसपास सैनिक गश्त लगा रहे हैं? क्या तुमने उन्हें देखा है? अपने आदमी इकट्ठे करो। महाराज को ब्रॉन्ज स्पैरो टार पर लाओ। उनसे कहना हम शिकार पर जा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती मत करना। जी महाराज। पिया है। मुझे तुम पर भरोसा है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
मंत्रीगण कृपया उठिए। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं वो अपनी समस्याएं बताएं, जिन्होंने नहीं की हैं कृपया चले जाएं। पहली याचिका सेनापति काउकाउ की है। कहिए मंत्री जी। विद्रोह के पीछे लूबई और सान चौन हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए सेना की कमान मुझे सौंपी जाए। चाहे गवार चाओ, मुंह बंद करो। हर रोज तुम्हें हमले करने हैं, हर रोज विरोधियों को खत्म करना है। महाराज तुम हो या मैं? महाराज मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज सेनापति अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्हें इजाजत नहीं है। उस गधे की बात सुनने से अच्छा मैं अपना रियाज करूं। मैं सेनापति काउपी आपके सामने बात रखना चाहता हूं। कहिए किस सिलसिले में आपने कोर्ट में याचिका दाखिल की है? वही के महाराज ने आपको यचैंग आने का न्योता भेजा है शिकार पर आने के लिए। हाँ, और अगर मैं मना कर दूं तो? मेरे साथ यचैंग चलिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज। काओ के गद्दार महाराज को शिकार पर ये चिंग ले गए हैं। आप लोग जल्दी वहां पहुंचो और महाराज की रक्षा करो। चांसलर मुझे खुशी है आपकी तबीयत अब ठीक है, मुझे चिंता हो रही थी। ओ जीवन, मेरे सिर दर्द का पूरी तरह इलाज तो नहीं कर पाया, फिर भी पहले से तो आराम है। आप चाहें तो हम शिकार पर जाने का कार्यक्रम रद्द कर सकते हैं। जंग और सूखे की मार झेल रही जनता को शिकार के जरिए आपकी ताकत का एहसास दिलाना जरूरी है। आपने सही कहा चांसलर। महाराज वो देखिए, तीर चलाइए चांसलर। कमान आपका है तो हिरन भी आपका ही होना चाहिए। तुम्हें हिरन पसंद है तो हम किसी दिन शिकार पर चलेंगे। कोई चीज पसंद हो तो क्या उसे मारना जरूरी है चांसलर? तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूं।
आज यहीं रुकिए। ये वो जगह है जहां मुझे दफनाया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मरने के बाद अपने साथ इस जंग को भी अपनी कब्र में लेकर जाऊं, ताकि हम दोनों ही हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएं। महाराज, आराम से महाराज। जनबोआ, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, लेकिन आप यहाँ थे ही नहीं। मुझे लगा आप मर गए। नहीं दे तुम, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें दफनाने के बाद ही मरूंगा। ये समय पर पूरा होगा भी या नहीं? नहीं दे, लगता है तुम्हें यहाँ आने की बहुत जल्दी है। अब मुझे पता चला महाराज की लंबी उम्र का राज। वो अपने साथ एक नई महिला मित्र को लाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही खूबसूरत होंगी। मेरी मन की आंखें मुझे याद दिला रही है ड्योचान की। सच कहूं तो मुझे अंधा होने का कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस जैसी खूबसूरती देखने के बाद मुझे कभी अपनी आंखों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। यान राज्य पर कब्जे, पेंजंग पर सर्दियों में मिली फतेह और यापी की घेराबंदी के 3 साल बाद लूबू को पकड़ने के लिए पूर्व में एक अभियान चलाया गया। वैसे तो लूबू बहादुर था, लेकिन रणनीति में कमजोर था। लूबू को पकड़ लो। My troops captured him alive in an ambush. उसके साथ डायोचान भी पकड़ी गई। उनकी इकलौती बेटी बचकर निकल गई। अगले दिन मैंने लूबू का सिर कलम करने का आदेश दिया और एक महान योद्धा का दुखद अंत हुआ। उस दिन जिस किसी ने भी वो मंजर देखा वो हिले बिना नहीं रहा। मैं जानता था डायोचान एक चरित्रवान औरत थी, लेकिन उसके ठहराव ने मुझ पर छाप छोड़ दी। जिस तरह उसने अपने पति का सिर लेने के लिए मेरे सभी सैनिकों के सामने घुटने टेके, मैं देखकर हैरान रह गया। मैं भले ही एक बहादुर सेनापति क्यों न हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी बहादुरी नहीं देखी थी, कभी नहीं। मिस्ट्रेस को बस हल्का सा सुखाम है, समझ नहीं आ रहा हम इतनी जल्दी में क्यों हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते, महाराज की चिंता हमारी चिंता है, समझी तुम? हा? जी समझ गई। अब जल्दी चलो। जीवन, मुझे तुम्हारा काम करते देख तुम्हें चिंता हो रही है। महाराज आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, आपके हाथ तो मुझसे कहीं ज्यादा मुलायम हैं। और अब जब आपकी तबीयत ठीक है तो मुझे खुशी होगी अगर ये काम आप ही पूरा करें। महाराज इस नई मित्र पर मेरी दवा का काम करना और उनकी तरफ आपका ये प्यार देखकर मेरा दिल कैसे नहीं भर आएगा। जीवन जी, जरा मुझे अपनी जीभ दिखाना। ये बकवास से भरी हुई है। आपकी ये मित्र मुझे किसी की याद दिलाती हैं। आप यहां इनकी तबीयत की जांच करने आए हैं इनके चेहरे की नहीं? लेकिन इस समानता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारा इशारा लूबू की पत्नी ड्योचान की तरफ है? इनकी आवाज भी काफी मिलती जुलती है और मैं बहुत हो गया। माफ कीजिए। चांसलर ने ये डियर पार्क आपके लिए बनवाया है। उन्होंने पहली बार किसी औरत के लिए ऐसा कुछ किया है। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। जब तक वो ये नहीं जानते कि मेरे दिल में क्या है, वो मुझे कभी नहीं मार सकते। चांसलर,
चारों सितारों के एक सीध में आने का समय दिन पर दिन नजदीक आ रहा था और ऐसा होते ही हम सबकी तकदीर पर से एक पर्दा उठने वाला था। लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे जीवन एक कष्ट नहीं है और मौत उससे छुटकारा पाने का एक तरीका नहीं है। लगता है काओ मेंगडे तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन ये मत सोच लेना कि तुम उन्हें अपना बना सकती हो। आप हमारे डॉक्टर हैं। पूरा हैन राज्य बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। राज्य में शांति तब आ सकती है जब गद्दी वापस महाराज को सौंप दी जाए। जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं, अगर उस दुनिया में मेरे और मेरे प्रेमी के लिए जगह नहीं है तो आपने सोच भी कैसे लिया कि ऐसी जगह से मैं कोई वास्ता रखना चाहूंगी। से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, पूरे 10 साल। ये काफी समय होता है तुम्हारे माता पिता की मौत का बदला काओ मेंगडे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। तुम पहले से जानते थे, है ना? कई बातें हमें ना ही पता चले तो बेहतर है। क्या ऐसी जिंदगी का कोई मतलब है? जिंदा रहना ही अपने आप में सब कुछ है। शायद वो मुझे बता पाए जिंदगी ऐसी क्यों है। मुझे उम्मीद है आज से हम दोनों खुद के लिए जिएंगे। मुशु, वो रात मुझे आज भी सताती है। शायद वो आखिरी बार था जब मैं मुशु को देख रही थी। गांव गद्दारों ने तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास महाराज का आदेश है कि राजद्रोहियों को आज रात ही खत्म कर दिया जाए। न्यू रेजन ऑफ पीस, साल 25, महीना 12 और दिन 15। मुझे उस दिन की याद आई जब मैं पहली बार काकाओ से मिली थी। उस रात भी मैंने लाल कपड़े पहने थे। मेरी जिंदगी के दूसरे अहम फैसलों की तरह उन कपड़ों का चुनाव भी किसी और ने ही किया था। ये किसका स्मारक है? मेरे माता पिता का। तुम यह क्या कर रही हो? क्या आप जंग लड़ने जा रहे हैं? हाँ। बता सकते हैं किसके खिलाफ? मेरे पुराने साथी गुआनचुंग के खिलाफ। मैंने सुना है वो दुनिया का सबसे बहादुर इंसान है। सेनापति, आपको इस बात का डर नहीं है?
किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। सब दे सकते जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो बस मैं ऊपर वाले से इतना मांगती हूं कि सब कुछ ठीक कर दे। जो तुम चाहती हो एक अच्छी और जोश भरी जिंदगी, सिर्फ वो तुम्हें दे सकता है। तो तुम ही हो जिससे वो प्यार करती है। अंदर मत आना। कौन है? हम आग बुझाने आए हैं, दरवाजा जल्दी खोलो। बंद करो, बंद करो, जल्दी जल्दी बंद करो। जाओ गद्दारों को खत्म कर दो, फैन को बचाना है। ये
खत्म कर दो इसे, जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैं ऊपर वाले की इच्छा का पालन कर रहा हूँ, खत्म करता हूँ। हमला! पीछे मत देखना, बस चुपचाप बैठी रहो। अगर ये सच है तो तुम आजाद हो। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस अपनी सेना की कमान मुझे सौंप दीजिए। मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूं, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वो इसलिए क्योंकि आप चाव चाव हैं। मुशु ने कहा उसे हमला करना पड़ा, इस निर्दयी दुनिया पर और हमारी निर्दयी किस्मत पर। उसे हमला करना पड़ा ताकि हम पर किसी का कर्ज न रहे। लिंगजू, उसे मत मारना। तुम नहीं समझोगे? मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे छोड़ के मत जाओ। खुल के जीना, जिंदा रहना ही सब कुछ है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मुशु चला गया और उसके साथ उसके दिल की दुनिया और भविष्य की मेरी आखिरी उम्मीद भी। और तब जाकर मुझे उस जगह का पता चला, उसके दिल में थी एक ऐसी जगह जहां कोई जंग, अव्यवस्था, कत्लेआम, मृत्यु नहीं था। एक जगह जहां लिंगजू और मुशु रहते थे, जहां उनके पास खेती करने के लिए खेत, पहनने के लिए कपड़े, बच्चे और बच्चों के बच्चे थे। और मुशु कहता था, जब तक हमारे दिल में वो दुनिया है, हमें कोई नहीं मार सकता। मारा
मारा गया है। हथियार डाल दो। गद्दार गांव मारा गया। गद्दार गांव मारा गया। विद्रोही तुम हो। मेरे पिता को मारना तुम्हारे बस में नहीं। इसकी बकवास मत सुनो। इन सबको खत्म कर दो। इसका खून भी बह रहा है। खत्म कर दो इसे। खत्म कर दो। खत्म कर दो। महाराज जिंदा है। महाराज जिंदा है। रहम करिए सेनापति। जीवन, हथियार डालने का समय आ गया है। पिताजी, बहुत हो गया। पूरी जिंदगी लोगों को मारता रहा, मुझे मौत से नफरत हो गई है। रुक जाओ। सब लोग बाहर जाओ। चांसलर बाहर। चांसलर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप जमीन से बाहर कैसे निकले? बिल्कुल बिल्कुल किसी भूत की तरह। नहीं, बिल्कुल किसी भूत की तरह है ना। ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं। जानते हैं मैंने ब्रॉन्ज स्पैरो टावर क्यों बनवाया था? अपनी उपलब्धियों की यादगार के तौर पर चांसलर। एक यादगार के तौर पर, ताकि मेरे विश्वासघात और लालच को कभी ना भुलाया जा सके। बिल्कुल, या आप अपने लिए राजमहल बनवा रहे थे। क्या आपने देखा ब्रॉन्ज स्पैरो टावर की रक्षा प्रणाली को भेद पाना कितना मुश्किल है? यानी चांसलर, आप सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहे थे? 10 साल पहले आपने भी ऐसी तैयारियां करवाई थी ना? मतलब तुम जानते थे ये दिन आने वाला है? जिन लोगों को मैंने मारा है, उन लोगों के बच्चों को आप आज ही के दिन के लिए इकट्ठा कर रहे थे ना? चांसलर, आपने इतने लोगों को मारा है कि उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। मैंने उनके माता पिता को खत्म किया और आपने उनके पूरे वंश को। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ बंधक बना के रखोगे। आपको क्या लगा था हम सर्दियों में सिर्फ शिकार करने जा रहे हैं? तुम जो करते हो उसके पीछे की सच्चाई को समझना मुश्किल है चांसलर। झूठ बोलने पर मैंने ज्योतिषी जी की हत्या की, ये सच है। मेरे कब्र और ब्रॉन्ज स्पैरो टावर भी सच है। ब्रॉन्ज स्पैरो टावर की रक्षा प्रणाली भी एक सच है।
ये सब आपकी गद्दी और साम्राज्य को बचाए रखने के लिए था, ताकि जंग आपके राज्य के छोटे छोटे टुकड़े न कर दे। तुमने मुझे ये हक क्यों नहीं दिया? मेरे बिना आपको अंदाजा भी है आपकी जमीन पर कितने राजा और महाराजा खड़े हो गए होते। मेरा सबसे बड़ा श्राप तुम्हारे साथ ये युग बांटना था। सिर्फ वो आदमी अच्छा शासन दे सकता है जो लोगों की भलाई के लिए अपनी खुशियों तक को दांव पर लगा सकता है। तो आज हम आमने सामने हैं। अब या तो मुझे खत्म करो या मुझे मेरा राज्य वापस दे दो। मैंने तुम पर तब से नजर रखी है जब से 15 की उम्र में मैं तुम्हें राजधानी लाया था। अगर तुम एक ऐसे राजा साबित होते जो तुम्हारे पूर्वज की तरह देश को एक रखता तो मैं तुम्हारे आदेशों के प्रति उतना वफादार रहता जितना जैंग लियांग था। एक बूढ़ा थका घोड़ा भी हरे भरे मैदानों को याद करता है, और एक बूढ़ा कछुआ भी जानता है कि वो एक दिन मरेगा। हिरन का शिकार भले ही मैंने किया हो, उस पर अब भी आप ही का अधिकार है। मुझे शर्म आती है कि मैंने अपनी जिंदगी जाया कर दी। मैं इन रियासतों को एक नहीं कर पाया। मैं अब आपकी और रक्षा नहीं कर सकता। मेरे लिए एक गाना गाइए महाराज। गाइए जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल भरोसा रखो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। वो बहारों के आने से खिलते नहीं। ये मूशन की तलवार है। मैं इस पेंडेंट को बहुत पहले ही पहचान गया था। तुम्हारे पास मुझे मारने के कई मौके थे। अगर आप जानते थे मैं कौन हूं मुझे अपने इतने करीब क्यों रखा? जिंदगी जितनी लगती है उससे कहीं छोटी होती है, पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारा दिल अभी भी साफ है। मेरे साथ घर चलो जुआ। घर चलो ना जुआ। Thank you.
Huh?